हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटर्स सी बुक के चैप्टर 14 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन सी डॉट है। इस क्वेश्चन में बोला गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग। हाउ विल यू इनिशियलाइज ए थ्री डायमेंशनल एरे, हाउ विल यू रेफर द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इन दिस एरे। तो इस प्रोग्राम ये हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर की हमें 3D एरे को डिक्लेयर करना है, उसको एक्सेस करना है, उसको इनिशियलाइज करना है, उसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस करते हैं ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम में चलते हैं, क्या हम इस प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, ये फाइल इंक्लूजन हो गया है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर किसकी वजह से हो गया, हैश की वजह से। हैश इंक्लूड conio.h void main clrscr फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, gtch फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट व्हेन वी रन द प्रोग्राम। तो एक वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है। अगर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हमारे पास जो नाम था एक वेरिएबल, ये डिक्लेयर हो गया। इसको अगर इनिशियलाइज करना होता तो हम इसके अंदर सिंपली इस तरीके से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब इसकी जगह पे अगर हमें इसको 1D एरे डिफाइन करना हो तो हम उसको 1D एरे इस तरीके से कर देंगे और उसके साथ के अंदर हम ब्रैकेट लगा दिए इनिशियलाइज करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आइटम होगा इसके अंदर 6, ये हमारा 1D एरे इनिशियलाइज हो गया। अब 1D एरे को 2D में कन्वर्ट अगर करना है, 2D अगर इनिशियलाइज करते तो मान लीजिए कि इसके अंदर के हमारे पास 3 कॉलम है, तो ये क्या करता, ये सिंपल तरीके से यहां आने के बाद में इसको डिवाइड कर देता। ये हमारी सेकंड रो स्टार्ट हो गई है, ये यहां से ये फर्स्ट रो होती और ये हमारी सेकंड रो होती, ये इसका इनिशियलाइजेशन हो गया। अगर हम यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई, इसको डिक्लेयर इनिशियलाइज नहीं करते सेकंड वाला कॉलम के अंदर कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारे पास एरर दे देता। क्यों? क्योंकि 2D एरे के अंदर कॉलम को डिफाइन करना बहुत कंपलसरी होता है, रो को हम ऑप्शनली छोड़ सकते हैं। अब क्योंकि 2D एरे तो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एरे है, मतलब कि जब हमने फर्स्ट टाइम जब 1D एरे कराता तो हमने यहाँ पे हमने कुछ भी वैल्यू नहीं डाली थी, तो इसलिए 1D एरे के अंदर तो इसको छोड़ सकते हैं ब्लैंक। अब लेकिन कलेक्शन आ रहा है 2D एरे का, तो सेकंड वाले एरे के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा किस तरीके से इसको करते हैं। दूसरा, इसके बजाय हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये ब्रैकेट लगाया और ये ब्रैकेट लगा दिया, तो इसने सेपरेटली हमें बता दिया कि कितने इसके अंदर रोज है और कितने हमारे पास में कॉलम है, मतलब कि जितने ब्रैकेट आ रहे हैं इंटरनली वो तो आगे रो और एक ब्रैकेट के अंदर कितने आइटम्स आ रहे हैं वो उसे कॉलम। दूसरा, इसको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस क्या है कि जब 2D की बात कर रहे हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर भी 2 पैरेंथेसिस मिलेंगे और लास्ट के अंदर भी 2 पैरेंथेसिस मिलेंगे, तो ये हो गया 2D एरे। अब इस 2D एरे को 3D एरे के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास में था 3। अब 2D एरे को अगर 3D एक और एरे बनाना है तो हमारे पास में इस तरीके से उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। नाम हमारे पास में दिया हुआ है क्या, 3D। इसके अंदर हमें बोला गया कितना, 3, 2 एंड 3, ये हमें डिक्लेयर कर दिया है और इसको अब हमें इनिशियलाइज भी करना होगा। इनिशियलाइज करना होगा तो जैसे 2D के लिए हमारे पास में कितने रोज थी, कितने पैरेंथेसिस आ रहे थे, 2 आ रहे थे, उसी तरीके से 3 डायमेंशनल एरे के अंदर हमारे पास में 3 पैरेंथेसिस भी आएंगे। 3 पैरेंथेसिस के अंदर क्या आएंगे, हमारे पास में 3 एरे है जिसके अंदर 3 नंबर, देखिए इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमारे पास में 2x3 के तो 2 डायमेंशनल एरे जो कितने हैं हमारे पास में 3, तो सबसे पहले तो हमारे पास में 3 आइटम होंगे, तो इसको मैं एक बार स्किप कर देता हूं। हम डिफाइन कर देते हैं कि टोटल हमारे पास में एरे कितने होंगे। एक तो ये एरे हो गया, ये कलेक्शन ऑफ 2D एरे हो गया। अब जो सेकंड एरे आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास में, 2 तो रो आ रही है और 3 कॉलम आ रही है, 2 रो एंड 3 कॉलम आ रहे, तो उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हमारे पास में 2 रो, ये 2 रो हो गई, कॉलम कितने हैं 3, ये आ गए हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट रो। किस तरीके से, क्योंकि फर्स्ट रो के अंदर क्या हो गया, हमारे पास में 3 पैरेंथेसिस ओपनिंग में आ गया, तो मतलब कि 3D एरे की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे पास में लास्ट के अंदर भी 3 होने चाहिए। तो ये फर्स्ट रो मतलब कि फर्स्ट वाला जो एरे था, ब्लॉक था, उसके अंदर जो सेकंड वाले 2D एरे था उसके फर्स्ट रो के 3 आइटम ये हो गए हमारे पास में, इसके अंदर 2 रो थी। अब ये ऐसे हमारे पास में कलेक्शन है कईयों का, तो ये हो गया, ये हो गया सेम,
ये इसका बेस्ट वे होता है इनिशियलाइज करने का, हम कंटिन्यूसली भी डाल सकते हैं, लेकिन ये दिस इज द बेस्ट वे जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से और कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है। हमने कर दिया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब इसको हम कंपाइल करा के चेक करते हैं, कोई एरर है क्या, कोई एरर नहीं आ रही है, आउटपुट के अंदर चला गया। अब हमें क्या बोला गया, इनिशियलाइज किस तरीके से करना, हमने इनिशियलाइज कर दिया। हाउ विल यू रेफर द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इन दिस एरे, तो एरे को आइडेंटिफाई करने का एक्सेस करने का तरीका क्या कि हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कि हम 2D एरे के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं आई एंड जे, 3D है तो हम कितने डिक्लेयर कर देंगे आई जे एंड के। इनिशियलाइज इसको कहां से करते हैं, सबसे पहले फोर लूप को करेंगे बार वाले को, आई से स्टार्ट करेंगे उसको, आई इक्वल टू जीरो कहां से कहां तक जाएगा, कितनी हमारे पास में रो 3n, आई प्लस प्लस, ये हो गया हमारे पास में लास्ट वाला एरे कौन सा जो कि इस ब्रैकेट के ऊपर काम कर रहा है, इसके थ्रू हम इन तीनों को एक्सेस करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड को। अब इसके बाद में चलते हैं इसके अंदर वाले रो जो 2D एरे आएगा, जे इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन कितना जा रहा है हमारे पास में 2, जे प्लस प्लस। अब अंदर वाला लूप जो जा रहा है हमारे पास में के इक्वल टू जीरो, के इज लेस देन चल रहा है हमारे पास में 3, के प्लस प्लस। लेस देन 3 क्यों रखते हैं हमेशा, इसको लेस देन 3 हो गया, लेस देन एन क्यों रखते हैं, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब ये आइटम्स आ गए, तो हम इन आइटम्स को अगर प्रिंट कराते हैं 1 by 1, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरा सीरीज के अंदर प्रिंट होना चाहिए, तो पहले तो हम इसको सीरीज में ही प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंट डी, हमारे पास में थ्रीड नाम का जो एरे आ रहा है उसके अंदर क्या करें, सबसे पहले तो आई पास करा हमने, फिर हमने जे पास कर दिया और ये हमने के पास कर दिया। अब इसको हम रन करा के चेक करते हैं कि आउटपुट होगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके 18 तक आ गया हमारे पास में, और हमारे जो कॉलम थी जो वैल्यू थी वो भी हमारे पास में 18 तक थी। अब हम इसको डिवाइड करते हैं रोज के अंदर की 1 से लेकर 6 तक का हो गया, 7 से लेकर 12 तक का करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे तो हम इनको यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, स्पेस की बजाय हम यहाँ पे छोड़ देते हैं स्लैश टी जो कि टैब लगा देगा। स्पेस ही छोड़ेंगे, ठीक है, और जैसे इस लूप से बाहर निकलेंगे हमें लाइन ब्रेक जो करनी है, और सबसे हमारे लास्ट वाले पे करनी है लाइन ब्रेक, इसके अंदर करनी है हमको प्रिंट एफ स्लैश एन। अब देखिए किस तरीके से हमारे पास में आउटपुट आएगा, 1 से लेकर 6 तक चला गया, 7 से लेकर 12 तक चला गया, 13 से लेकर 18 तक का चला गया, जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा था उसी तरीके से आउटपुट चलेगा, ये जो आ रहे हैं 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 6, 7 से लेकर 12 और 13 से लेकर 18। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 1, लास्ट वाला एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास में 18। तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका क्या होगा, जहां पे आई की वैल्यू एंड के जे की वैल्यू एंड के की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 0, 0, 0 तो होगा फर्स्ट एलिमेंट, और 3, 3, 2, 2, 1, 2 ये हो गया हमारे पास में लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने का, ये आ गया हमारे पास में। अब इसको हम एक कर लेते हैं कि जैसे कि हम बाहर वाले लूप के ऊपर जा रहे हैं तो इनके बीच के अंदर टैब को डिफाइन कर देते हैं ताकि हमें पता लगे कि यहाँ पे हमारा दूसरा लूप स्टार्ट हो चुका है। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 के 6 ब्लॉक हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया प्रॉपर तरीके से, तो ये चला गया। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताना है, हाउ विल यू रेफर द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इन दिस एरे, तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के अंदर हमारे पास में प्रिंट होना चाहिए 1 and 18। तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट अप करते हैं यहाँ पे स्लैश एन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 3D एरे इज परसेंट डी, परसेंट डी क्या आएगा हमारे पास में कितनी रोज है 2, 1, 2, ठीक है। उसी तरीके से जो लास्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या आएगा, प्रिंट एफ लेसन लास्ट एलिमेंट ऑफ 3D एरे इज
परसेंट डी, क्या रहा परसेंट डी के अंदर, एरे का नाम क्या है थ्रेड, लास्ट जो कॉलम जाने वाला था हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पे ये तो होगा हमारे पास में लास्ट वाला कॉलम और ये होगा हमारे पास में जीरो 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 के ऊपर फर्स्ट एलिमेंट, ये हमने यहाँ पे गलती कर दी। ठीक है, अब इसको हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। आउटपुट में हमारे पास क्या गया, 1 and 18, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट को कैसे एक्सेस करा, 0 0 0 के थ्रू, और लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करा हमने जो कि हमारे इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ट्रेवर्स करने की। ओके, तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम कम्प्लीट हो गया। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या था, किस तरीके से 3D एरे को हम डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और उसके एक आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं। ओके, थैंक यू।